Welcome back, dear students. In Java, we are going to online classes and here we are discussing Java philosophy. Okay. So, in the last video, I have tried to explain some things to you. क्योंकि वो चित्र जो था उस चित्र के माध्यम से मैंने सारी चीज़ों को आपको एकदम बिल्कुल स्टेप वाइज सीरियल वाइज कैसे चीज़ें हुई हैं, कैसे होती हैं और किस प्रकार से विभिन्न प्रकार की संरचनाएं जो हैं, घनत्व ज़्यादा है तो तरंग गति कैसे बढ़ी घटी, कहाँ पे तरल अवस्था है, कहाँ पे ठोस अवस्था है, किसको कौन सी असमानता बोलते हैं या फिर डिसकंटिन्यूटी बोलते हैं, उसको चर्चा करते हुए मतलब एक सीरियस से मैंने उठाया और चीज़ों को ले आकर पृथ्वी के सेंटर तक आपको छोड़ दिया। ठीक है, और काफ़ी समय लगा उसमें, आपने देखा होगा वीडियो लंबा भी था पिछला वाला और आपको पेशेंस रख के उस वीडियो को देखना पड़ेगा क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है आपको जे मॉर्फोलॉजी के लिए। अगर उसको आप ध्यान से नहीं समझते हैं तो फिर आपके आगे के कॉन्सेप्ट में बहुत ही बड़ी समस्या होने वाली है, तो इसलिए आप बहुत ही ध्यान से उस वीडियो को देखेंगे। ठीक है, और आज का जो वीडियो है इसमें बहुत छोटा सा वीडियो रखेंगे क्योंकि मुझे पता है कि आपका वो वीडियो लंबा हो गया है, तो इसलिए आज का ये वीडियो छोटा रहेगा आपके लिए। इसमें बस वही बातें हैं जो बातें मैंने आपको चित्र के माध्यम से समझाई, उन बातों को मैं समझाऊँगा आपको रिटन फॉर्म में। ठीक है, देखिए तो यहाँ पे आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले लिखा है भूपटल में लगभग 33 किलोमीटर गहराई तक पी और एस तरंग गति में क्रमिक वृद्धि होती है, इसका कारण घनत्व में क्रमिक वृद्धि होना है। तो आइए अब देखिए, आप ये जो चित्र आपके सामने रखा हुआ है, हम कह रहे हैं भूपटल में 33 किलोमीटर गहराई तक, मतलब ये जो आपका जहाँ तक आपकी भूपटल की स्थिति है, मतलब कि भू प्रॉपर्टी जहाँ तक है, 33 किलोमीटर गहराई तक जो आपकी भूकंपीय तरंगें इनमें लगातार वृद्धि होती है। क्यों? क्योंकि घनत्व लगभग थोड़ा थोड़ा अंतर घनत्व में आता रहता है, मतलब घनत्व में एक प्रकार से देखा जाए तो हल्की फुल्की वृद्धि होती रहती है। ठीक है, लेकिन मोस्टली आप मान चले कि 3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब के आसपास ही, मतलब 2.8 से 3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब के आसपास ही घनत्व यहाँ पे बना रहता है। ठीक है, तो इस कारण देखने को लगातार मतलब वृद्धि होती रहती है। इसका मतलब ये भी दिखाता है कि ये जो चट्टान यहाँ पे हैं, जो संरचना पृथ्वी के यहाँ पे है, ये क्या ठोस अवस्था, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ ठोस अवस्था, तो यहाँ पे ठोस अवस्था में, तो वही बात हम यहाँ पे कह रहे हैं कि भूपटल में लगभग 33 किलोमीटर गहराई तक पी और एस तरंगों की गति में क्रमिक वृद्धि होती है, इसका कारण घनत्व में क्रमिक वृद्धि होना है। ओके, और चूंकि आप जानते हैं जब घनत्व में वृद्धि होगी तो मतलब कि किसी भी तरंग की घनत्व में वृद्धि का मतलब, सॉरी, किसी भी अवस्था में घनत्व की वृद्धि का मतलब कि तरंगों में उसमें उनकी गति बढ़ जाएगी, तरंगों की गति उनमें बढ़ जाती है। ठीक है, ये आपने प्रॉपर्टीज पहले से पढ़ रखा है। अब भूकंपीय तरंगों की बात करें अगर, तो मोहो असमानता के पास भूकंपीय तरंगों की गति में अचानक वृद्धि होती है, इससे घनत्व में अचानक वृद्धि की जानकारी मिलती है। मोहो असमानता भूपट्टी और मेंटल को और क्या करती है, अलग करती है। देखिए वही जा रही, ये जो मोहो असमानता है इसके बारे में कहा जा रहा है कि भाई अचानक से जैसे ही मोहो असमानता के पास पी और एस तरंगें पहुँचती हैं उसका अचानक में तेजी से वृद्धि होती है। तो ये क्या दिखाता है कि इस मोहो असमानता के पीछे और उसके आगे जो घनत्व है, घनत्व में क्या अंतर है, मतलब पीछे वाले घनत्व में कमी है, यहाँ पे घनत्व अधिक है, जब वृद्धि हो रही है तो घनत्व में वृद्धि है, इसी वजह से तो जो तरंगे उनकी गति में वृद्धि हो रही है क्योंकि अधिक घनत्व में तरंगे ज़्यादा तेजी से गति करती हैं, ये मैंने आपको पहले बता रखा है। तो और जो मोह असमानता क्या करता है, भूपटल जो आपका ये हिस्सा भूपटल वाला है इसको अलग करता है किससे, आपकी ये ऊपरी मेंटल से लगाता है, इसको क्या करता है अलग करता है, इसलिए इसको भी ध्यान रखेंगे आप। फिर कहा जाता है कि जो आपका मेंटल में गहराई के साथ भूकंपी तरंगों की गति में वृद्धि होती है लेकिन लगभग 100 से 200 किलोमीटर गहराई के मध्य गति में कमी आ जाती है, इसका कारण इस क्षेत्र का अर्ध तरल अवस्था में होना है, इसे लो वेलोसिटी जोन या निम्न गति का मंडल कहते हैं, तथा पी और एस दोनों ही तरंगे पार करती हैं लेकिन इनकी गति बहुत कम हो जाती है। तो वही बात देखिए यहाँ पे कही जा रही, जो मैंने आपको पहले समझा रखी बात कि जैसे ही मोह समुद्र क्रॉस करने के बाद इनकी गति लगातार बढ़ती रहती है लेकिन अचानक से क्या होता है कि 100 से 200 किलोमीटर गहराई पर क्या होता है कि जो इनकी जो गति होती है अचानक से कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि 100 से 200 किलोमीटर गहराई पर आपका कौन सा उपस्थित है, दुर्बलता, प्लास्टिक दुर्बलता, दुर्बल मंडल, या फिर कहते हैं ये अर्ध तरल अवस्था में। ठीक है, जब ये अर्ध तरल अवस्था में तो आप सभी जानते हैं तरल में जो गति होती है तरंगों की वो कम हो जाती है, और इवन जो आपकी एस तरंगे इनकी गति तो होती नहीं, मतलब तरंगे एस तरंगे जो होती हैं वो तरल में तो प्रवेश ही नहीं करती हैं, लेकिन चूंकि ये अर्ध तरल अवस्था में तो थोड़ी मोड़ी तरंगे जो इसमें एस प्रवेश भी करती हैं लेकिन बहुत ही छीण मात्रा में रहती हैं। ठीक है, इसे आप ध्यान रखेंगे, आपकी तरंगों की गति इसमें घट जाती, मतलब कम हो जाती है, तो फिर इससे भी यहाँ पे अंदाजा लगाया जाता है, चूंकि ये तरंगे इसमें गति कर रही हैं इसका मतलब ये तरल पूरी तरीके से नहीं है, और चूंकि ये तरंगों की गति इसमें कम हो गई मतलब कि थोड़ा सा ये ठोस भी है, गति कर रही है मतलब कि थोड़ा सा ठोस भी है और ज़्यादा तेज़ी से गति नहीं कर रही, इसका मतलब ये तरल अवस्था में मतलब नहीं है या फिर बहुत ज़्यादा हद तक तरल अवस्था में है, और जो पी तरंगे इसमें गति कर रही हैं लेकिन धीरे हो जा रही है, इसका मतलब क्या ये ठोस में नहीं है या फिर ठोस में है तो बहुत ही
कम घनत्व इसका इत्यादि है, या फिर अगर ये गति कर रही पी तरंगे इसमें तो मतलब इसका ये सीधा सीधा निकलता है कि थोड़ा सा ये तरल अवस्था में, लेकिन चूंकि एस तरंगे भी गति कर रही है इसका मतलब ये पूरी तरीके से द्रव अवस्था में भी नहीं है। तो दोनों बातें यहाँ पे समझ आती हैं भाई। देखिए क्या प्रकृति, मैंने आपको बताया कि एस तरंगे जो थी केवल द्रव में गति करती हैं, और पी तरंगे जो ठोस द्रव गैस तीनों में गति करती हैं। लेकिन यहाँ पे आप देखते हैं कि जब ये आपका 100 से 200 मीटर गहराई पर जब दुर्बलता मंडल में आप पहुँचते हैं तो आप देखते हैं कि भाई पी तरंगे तो गति कर रही हैं, उनकी गति थोड़ा सा कम हो जाती है, लेकिन एस तरंगे भी साथ ही साथ गति कर रही हैं। तो इसका मतलब ये है कि पहली बात एस तरंगे गति कर रही है, इसका मतलब क्या है, ये द्रव नहीं है पूरी तरीके से, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि जब ये तरंगे गति कर रही है इनकी गति बहुत छीण हो जा रही है, तो इसका मतलब ये पूरी तरीके से ठोस भी नहीं है भाई। गति अगर बराबर एक हिसाब से, जैसे कि आप 100 किलोमीटर के ऊपर से ऊपर तक गति जो बनी रही, अगर उसी आधार पर गति अगर नीचे यहाँ पे भी 100 से 200 किलोमीटर गहराई में बनी रहती तो हम कहते हैं भाई ठीक है, एक सामान्य ठोस अवस्था है। लेकिन हम देख रहे हैं कि तरंगे प्रवेश कर रही हैं इसमें, मतलब कि ये है कि द्रव अवस्था तो पूरी तरीके से नहीं है, लेकिन ये तरंगे बहुत छीण अवस्था में है, बहुत ज़्यादा तेजी से गति नहीं कर रही, बहुत छीण अवस्था में। तो इसका मतलब ये भी दिखाता है कि यहाँ पे जो है मतलब पूरी से जो ठोस भी नहीं है, तो इस कारण हम देखते हैं कहते हैं कि एक अर्ध तरल अवस्था है, ठीक है। पी तरंगे यहाँ पे प्रवेश करें गति क्या होती है, कम हो जाती है। तो ये इसके बाद जो है यहाँ पे यस और पी तरंगे दोनों ही प्रवेश करते हैं, इसका आप ध्यान रखेंगे, बस गति क्या होती है इनकी, कम हो जाती है, ठीक है। और ऊपर मैंने आपको बता ही रखा है पिछली बार कि सियाल और सीमा को अलग करने वाली जो परत होती है जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में कोनार्ड डिसकंटिन्यूटी या फिर कोनार्ड असंबद्धता, इसको आप चाहें तो उसको मेंशन कर लेंगे कॉपी में, ठीक है। आप ध्यान से मैंने चीज़ों को आपको बता ही दिया है, ठीक है, इसे आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद फिर आते हैं, तो फिर ये क्या कहते हैं, सारी चीज़ों को आपने पढ़ रखा है, बस हम यहाँ पे एक रिटन फॉर्म में चीज़ों को देख रहे हैं। इसके बाद कहा जाता है कि भाई इसके बाद जो तरंगों की गति में उत्तर उत्तर वृद्धि, मतलब कि आगे जैसे जैसे तरंगें बढ़ती जाती हैं वृद्धि होती, उनके तरंगों की गति में क्या होती है, वृद्धि होती रहती है। और रेप्टी असंबद्धता जो कि ऊपरी मेंटल, जिसे हिंदी में मेंटल को प्रवार भी बोलते हैं, तो प्रवार भी ध्यान रखेंगे आप, ऊपरी मेंटल तथा निचली मेंटल को अलग करती है के बाद तरंगों की गति में वृद्धि बढ़ती ही जाती है। देखिए अब इसको कहने का मतलब इनका यह है कि जो तरंगे होती हैं जब ये दुर्बलता मंडल से क्रॉस करके आगे बढ़ती हैं, तो फिर उत्तर उत्तर इनके मतलब आगे बढ़ते, जैसे जैसे आगे बढ़ती हैं वैसे वैसे इनकी गति में क्या होती है, वृद्धि होती जाती है। और रेप्टी असंबद्धता के बाद सभी पहुंचती हैं, जो कि रेप्टी असंबद्धता क्या है, ये रेप्टी असंबद्धता करता क्या है कि ये ऊपरी मेंटल, जैसे कि मेंटल को हिंदी में प्रवार बोलते हैं, ऊपरी मेंटल को अलग करता है किससे, निचली मेंटल से अलग करता है। अब जब तरंगे रेप्टी असंबद्धता को पार करती है तो इनकी गति में थोड़ी सी वृद्धि हो जाती है, गति भी बढ़ जाती है थोड़ी सी। तो यहाँ पे हमें ये लगता है कि भाई जो ऊपरी मेंटल है उसकी उसका जो घनत्व कंपेरिजन मतलब कंपेरेटिवली जो आपका निचली जो मेंटल है उसके घनत्व से क्या है, थोड़ा सा कम है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि यहाँ पे जो आपका ऊपरी मेंटल है उसके घनत्व में कमी है थोड़ा में नजर आती है, और जो निचली मेंटल उसके घनत्व में थोड़ा सा ज़्यादा वृद्धि हमें दिखती है। तो वही बात यहाँ पे कही जा रही है। आप देखिए जो जब आप दुर्बलता मंडल से यहाँ पे मतलब तरंगे होती हैं ये क्रॉस करके जब नीचे आती हैं तो यहाँ पे लगातार इनकी मतलब गति में वृद्धि होती रहती है। क्यों, क्योंकि घनत्व यहाँ पे बढ़ता रहता है, दुर्बलता मंडल में जानते हैं कि गति इनकी कम हो गई रही होती है। क्यों हो गई रहती है, क्योंकि यहाँ पे घनत्व कम रहता है, ये अर्ध तरल अवस्था में रहती हैं। लेकिन जब यहाँ से निकलती हैं तो लगातार इनकी मतलब गति में वृद्धि होती रहती है, उत्तर उत्तर वृद्धि, मतलब जैसे जैसे आगे बढ़ती हैं वैसे वैसे इनके गति में क्या होती है, वृद्धि होती रहती है। जब ये रेप्टी असंबद्धता के पास पहुँचती हैं तो फिर इसके बाद इनकी इनके मतलब गति में थोड़ा सा और वृद्धि होती है। तो इसके बाद यहाँ पे ये माना जाता है कि भाई यहाँ पे गति इस 700 किलोमीटर के बाद से गति थोड़ा सा और बढ़ गई, इसका मतलब जो 700 किलोमीटर और 200 किलोमीटर के नीचे की जो बीच की जो गति है ये गति क्या है, थोड़ा सा यहाँ पे घनत्व में कमी है किसके कंपैरिजन में, 700 किलोमीटर से 2900 किलोमीटर के बीच की जो संरचना है उसके घनत्व में। तो जो कहा जाता है, समझा जाता है भूकंपी तरंगों के आधार पर कि जो ऊपरी मंडल है उसकी उसका घनत्व थोड़ा कम है निचली मंडल के कंपैरिजन में, इसी कारण जो है रेप्टी असंबद्धता के बाद से जो तरंगे होती हैं वो उनकी गति जो है बढ़ जाती है। तो वही बात यहाँ पर समझाने का प्रयास किया गया, मैंने आपको पहले ही समझा रखा चीज़ों को। अब आइए बात करते हैं फिर, तो फिर ये बात करें कि प्रवेश फिर होता है कि मेंटल को अलग करती है, बाद के तरंगों में गति में वृद्धि बढ़ती ही जाती है, तो ये हमने चर्चा कर ली। अब जो हमारा अगला है उसके बाद कहते हैं जब ये तरंगे गुटेनबर्ग असंबद्धता के पास पी तरंग की गति अचानक क्या होती, कम हो जाती है, मतलब जब ये तरंगे गुटेनबर्ग असंबद्धता के पास पहुंचती हैं तब पी तरंगों की जो गति होती है अचानक क्या होती, कम हो जाती है। और एस तरंगे जो थी 103 से 105 डिग्री के कोण पर विचलित हो जाती हैं, मतलब एस तरंगे जो हैं आगे सीधे प्रवेश नहीं कर पाती हैं, तथा तो कोर में प्रवेश नहीं कर पाती हैं। इसका कारण क्या है, 2900 से लेकर 51 से 50 किलोमीटर गहराई में बाह्य कोर का तरल अवस्था में होना है। तो वही बात ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं, आइए हम समझ लेते चित्र के माध्यम से। देखिए ये कह रहे हैं कि जब ये रेप्टी असंबद्धता के बाद क्रॉस करते हुए निचली मेंटल में तरंगे जब क्या करती हैं, गति करती हैं, तो होता क्या है कि जैसे ही ये मतलब ये आपकी निचली मेंटल से नीचे आते हुए गुटेनबर्ग असंबद्धता, जिसे हम बोलते हैं वाइचर्ड असंबद्धता भी बोलते हैं, और इस इंग्लिश में बोलते हैं गुटेनबर्ग डिस्कंटिन्यूटी या फिर वाइचर्ड डिस्कंटिन्यूटी, जब ये इसके पास पहुँचती हैं 2900 से 2900 किलोमीटर की गहराई पर, ठीक है, तो होता क्या है कि इनके बाद से जो तरंगे होती पी तरंगे उनकी गति तो अचानक से क्या हो जाती है, कम हो जाती है, मतलब बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। तो इसका माना जाता है भाई यहाँ पे क्या तरल अवस्था आ गई है, ठीक है।
और दूसरी बात यहाँ पे तरल अवस्था आ गई, इसके बारे में एक साक्ष्य और हमें मिलता है। वो साक्ष्य क्या है कि जो ये एस तरंगे होती हैं वो तरंगे क्या करती हैं, इसमें प्रवेश नहीं करती बल्कि यहीं से मुड़ जाती हैं। ठीक है, 103 से 5 डिग्री का एंगल बनाते हुए क्या करती है एस तरंगे, मुड़ जाती हैं। इससे हमें ये बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि पक्का है कि यहाँ पे 2900 किलोमीटर से लेकर के 5150 किलोमीटर तक जो अवस्था है संरचना की वो क्या है, तरल अवस्था है। क्यों हमें ऐसा पता चलता है कि 2900 किलोमीटर से लेकर 5150 किलोमीटर तक ही अवस्था है, क्योंकि एस तरंगे तो यहीं से मुड़ जाती हैं तो अंदर तो जाती ही नहीं है, हमें पता कैसे चलता है। सीधी सी बात है, जो पी तरंगे इसमें ट्रैवल करती हैं ये 5150 किलोमीटर तक इनकी जो गति होती कम रहती है, कम उबेस 2900 किलोमीटर से जैसी गति इनकी रहती है उसी तरह से 5150 किलोमीटर तक गति रहती है। तो समझते हैं कि भाई 2900 किलोमीटर से लेकर 5150 किलोमीटर की दूरी जो गहराई है वहाँ तक जो है तरल अवस्था में मिलती है। तो यहाँ पे होता ये है कि जो एस तरंगे होती है डिफ्लेक्ट कर जाती हैं 103 से 105 डिग्री के एंगल पर, और पी तरंगे केवल प्रवेश करती हैं और जो कि इनकी गति भी क्या अधिक कम हो जाती है। तो इस आधार पर हम समझते हैं कि यहाँ पे जो है आपका जो बाह्य कोर है जो कि आउटर कोर है ये क्या है, एक तरल अवस्था में, जिसे कि अलग करने वाला कार्य कौन करता है, गुटेनबर्ग की असमर्थता। और ये क्या करती है, ये निचली मेंटल और आपके बाह्य कोर को अलग करती है। ठीक है, गुटेनबर्ग जो असमर्थता जिसे कि हम पाई चार्ट असमर्थता भी बोलते हैं, ये क्या करती है, निचली मेंटल को और बाह्य कोर को अलग करती है। तो वही बात हमने वहाँ पे थ्योरी में देखी, तो यही बात हमने देखी इसको, तो यही बात देखी लिखा है कि 2900 से 5150 किलोमीटर गहराई वाले बाह्य कोर का तरल अवस्था में होना है। ओके, अब आइए बात करते हैं। पुनः लेमन असमर्थता के पास पी तरंगों की गति में अचानक वृद्धि होती है, और पी तरंगे सर्वाधिक तीव्र गति जो है 14 किलोमीटर पर सेकंड से गमन करती हैं। इसका कारण आंतरिक कोर का अधिक घनत्व होना, साथ ही साथ ठोस अवस्था में होना है। होता क्या कि जब लेमन असमर्थता के पास ये तरंगें पहुंचती हैं तो पी तरंगों की गति क्या सर्वाधिक अचानक बढ़ती है, बहुत तेज़ी से बढ़ती है, और इस क्षेत्र में इनकी गति क्या 14 किलोमीटर पर सेकंड की गति हो जाती है, जबकि आप सभी जानते हैं कि जो पी तरंगों की औसत गति है वो 8 किलोमीटर पर सेकंड है। तो आप देखेंगे लगभग लगभग दुगने की गति इसकी बढ़ जाती है दुगने के तौर पर। तो इसका जो मेन रीज़न वो क्या है कि इस अवस्था का ठोस में होना और घनत्व का अधिक होना, तो वही बात यहाँ पे कही जा रही है, अच्छी तरह समझ लेते हैं। देखिए कहा ये जा रहा है कि जब आपकी पी तरंगे क्या होती हैं, जब यहाँ पे ये जो लेमन असमर्थता है जब यहाँ से क्या होता है कि ये तरंगे क्रॉस करती हैं पी तरंगे, तो होता है कि अचानक से इनकी गति में क्या होती है वृद्धि हो जाती है। वृद्धि होती है तो क्यों होती है, क्योंकि ये जो आपके 5150 किलोमीटर के आस से लेकर 6371 किलोमीटर जो कि पृथ्वी का केंद्र है यहाँ तक की जो संरचना है ये क्या ठोस अवस्था में, और जब तरंगे तरल अवस्था से ठोस अवस्था में प्रवेश करती हैं इनकी गति अचानक से क्या होती है बढ़ जाती है। और सिर्फ इतना ही नहीं कि इनकी गति बढ़ जाती है बल्कि पी तरंगों गति जो होती है इस माध्यम इस जगह 5150 किलोमीटर से लेकर के 6371 किलोमीटर के बीच में सर्वाधिक होती है। क्यों, क्योंकि इनका घनत्व बहुत ज़्यादा होता है, 11 से लेकर 13 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब का घनत्व यहाँ पे मिलता है, जिस कारण से पी तरंगों की स्पीड जो है यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है। सर्वाधिक स्पीड मिलती है हमें 14 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से पी तरंगे यहाँ पे ट्रैवल करती हैं। क्यों, क्योंकि इसका घनत्व भी बहुत ही ज़्यादा है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं मेंटल में 4.5 से लेकर 5.5 के बीच में ही घनत्व है, और भूपटल में आप जानते हैं 2.8। तो यहाँ पे आप उस कंपैरिजन में देखेंगे तो लगभग दोगुने से ज़्यादा घनत्व यहाँ पे आपको मिलता है आपके आंतरिक कोर में, इनर कोर में। इस कारण से यहाँ पे घनत्व अधिक रहता है तो पी तरंगों की गति क्या होती है यहाँ पे बढ़ जाती है, सर्वाधिक गति में मिलती है 14 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड। ठीक है, तो ये फिर हमने एक थ्योरी के माध्यम से लिख करके समझ लिया चीज़ों को कि क्या है तरंगे कैसे मतलब गति कर रही हैं, किस मंडल में क्या स्पीड है, तरंगों के आधार पर किस प्रकार से हम आंतरिक संरचना को समझते हैं, इसको मैंने समझाने का आपको पूरी तरीके से प्रयास किया। तो इस वीडियो को मैंने छोटा इसलिए बनाने का प्रयास किया क्योंकि पिछला वाला जो वीडियो था काफ़ी बड़ा हो गया था और ज़रूरी भी था, क्योंकि अब मैं अगर बीच में उस समझाने के दौरान अगर मैं साइकिल को तोड़ देता तो फिर आपको चीज़ों को समझ में नहीं आती, फिर से हमें लपेटना पड़ता है एक बार, घूमकर बनानी पड़ती फिर जाकर चीज़ें आप समझ पाते हैं। तो इसलिए वो वीडियो लंबा हो गया, तो उसके लिए आप मुझे खेद है, लेकिन वो जरूरी भी था देखिए। ठीक है, एक आवश्यक बुराई है, ठीक है, जैसा कि आप क्वालिटी में पढ़ते हैं तो एक आवश्यक बुराई है, उसी तौर पर आप उसको लेंगे। तो ये रहा आपका आज का वीडियो, आपको वीडियो आज का कैसा लगा मुझे कमेंट में बताएंगे। ठीक है, इसके बाद मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।